हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ वन ब्रांड मेकअप ट्यूटोरियल, जो कि होने वाला है NYBAE की तरफ से। आज हम देखेंगे कि हम NYBAE के अफोर्डेबल मेकअप प्रोडक्ट को यूज़ करके कैसे एक अच्छा सन लुक अचीव कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने लिया है NYBAE का प्राइमर, जो कि बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल है। मुझे 169 का पड़ा था। मैं सारे की सारी डिटेल आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो सबसे पहले मैं इसे अपने पूरे फेस पर अप्लाई करूँगी, देन मैं NYBAE की कलर करेक्टर ले रही हूँ, जो कि है ऑरेंज कलर करेक्टर। इससे मैं अपने चेहरे के जितना भी पिगमेंटेड एरिया है उससे हाइड करूँगी और उसे उंगली की मतलब फिंगर की हेल्प से ही ब्लेंड कर दूँगी, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा क्रीमी है, बहुत ही जल्दी से ये ब्लेंड हो जाते हैं। इसके बाद मैं ले रही हूँ NYBAE का कॉम्पैक्ट, जिसमें SPF भी है, तो आपको अलग से सनस्क्रीन की ज़रूरत नहीं है, और इससे मैं अपना ऑरेंज करेक्टर सेट कर लूँगी। नाउ अब मैं ले रही हूँ शेड नंबर 3 सेम फाउंडेशन स्टिक NYBAE की तरफ से, और इसे अपने पूरे फेस पर अप्लाई कर लूँगी। और इसमें शेड नंबर 4 भी आता है, जो कि बहुत अच्छा कलर है मेरे हिसाब से, बट स्लाइटली पिंक अंडरटोन है, दैट इज़ वाई मैंने शेड नंबर 3 लिया है, जो कि परफेक्ट येलो अंडरटोन है। और इसे मैं प्यूना स्टोर के ब्रश की हेल्प से ब्लेंड कर लूँगी, और बहुत ही ईजिली ब्लेंड हो जाता है। ये आपको मीडियम कवरेज देता है और आप इसके जो कवरेज को बिल्डअप कर सकते हैं। इसके बाद अपनी आईलिड पर भी इसे ही अप्लाई कर लूँगी, और कॉन्टूर के लिए भी मैं सेम NYBAE की स्टिक ले रही हूँ, शेड नंबर है 7। और इसे मैं थोड़ा सा हैवी कॉन्टूर करूँगी, क्योंकि मेरे पास NYBAE का कोई ब्रॉन्जर नहीं है, तो उसे मैं अपनी फेस पाउडर की हेल्प से ही सेट करूँगी। दैट इज़ आई मैंने थोड़ा हैवी किया है कॉन्टूर, ताकि फेस पाउडर सेट होने के बाद भी ये दिखे। अब मैं इसे पूरे अपने फेस को अच्छे से सेट कर लूँगी, ताकि फाउंडेशन स्टिक क्रीज ना करें। इसके बाद मैं ले रही हूँ NYBAE का काजल, और इसे मैं एंगल ब्रश की हेल्प से अपने आईब्रोज़ को फिल करूँगी। और ये काजल है तो बहुत ही ज़्यादा ब्लैक लगेगा, बट आप दोनों आईज़ में डिफरेंस आप खुद देख लीजिएगा। क्योंकि काजल है, अच्छे से सेट तो हो जाएगा, क्योंकि वाटरप्रूफ है, बट इसको मैं सेट करूँगी कॉम्पैक्ट पाउडर की हेल्प से ही, और इससे थोड़ा लाइट भी हो जाएगा। और अगर आप बिगनर हैं तो आप ये ट्रिक इसको यूज़ करके देखें। आप काजल की हेल्प से पहले अपने आईब्रोज़ को फिल किया करें, इसके बाद जब आपका हाथ सेट हो जाए देन आप आईब्रो किट ले सकते हैं। इसके बाद मैं ले रही हूँ NYBAE की मीट मैट लिप क्रेयॉन, और इसमें मेरा शेड है 03, और इसे मैं अपनी क्रीज में और आउट ऑफ वी में लगाऊंगी, देन एक ब्रश की हेल्प से इसे ब्लेंड कर दूंगी। और ये जो मेकअप लुक है, ये आप नवरात्रि, दीपावली, टीनेजर के लिए बहुत ही परफेक्ट लुक है, फेस्टिवल मेकअप लुक। और इन रियलिटी ये जो मेकअप लुक है बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था। NYBAE का लिक्विड लिपस्टिक ले रही हूँ, शेड नंबर 03 अगेन, और इसे मैं अपनी आईलिड पर लगा लूँगी, और सेम ब्रश की हेल्प से जो मैंने क्रीज में ब्लेंड किया था उसी से ही मैं अपनी पूरी आईलिड को भी ब्लेंड कर लूँगी। और बहुत ही ईजिली, मुझे शायद हार्डली 15 मिनट या 16 मिनट लगे थे। मैंने टाइमर रखा था अपने पास कि देखने के लिए कितना मुझे टाइम लगता है, तो शायद 16 से 17 मिनट लगे थे, 17 मिनट भी पूरे नहीं लगे थे, 16 मिनट। और इसके बाद मैं ले रही हूँ NYBAE की आईलाइनर, और इससे मैं बहुत ही थिक आईलाइनर बनाऊंगी, क्योंकि NYBAE का कोई मस्कारा नहीं है, तो मैंने भी मस्कारा अप्लाई नहीं किया है, और मैंने कोई फॉल्स आईलैशेस भी नहीं अप्लाई की, क्योंकि मैं इसे बिल्कुल बिगनर फ्रेंडली रखना चाह रही थी। इसीलिए मैंने क्या किया है, मैंने थिक विंग आईलाइनर अप्लाई किया है, ताकि जो आपकी लैशेज हैं वो ज़्यादा दिखे नहीं। तो आप सीरियसली कोई भी मस्कारा लगा सकते हो। वैसे मैं NYBAE का वन ब्रांड ट्यूटोरियल कर रही थी, दैट इज़ वाई। ओके, सो अब ब्लश के लिए मैं सेम मीट मैट की ले रही हूँ, और इसमें मेरा शेड है शेड नंबर 5। एंड ओ माय गॉड, ये जो ब्लश की तरीके से इसने जो काम किया है ना, मतलब मज़ा ही आ गया, ज़रूर ट्राई करिएगा। ओके, सो नाउ अब मैं काजल ले रही हूँ सेम, और इसे अपनी लोअर वाटर लाइन में लगा रही हूँ, और थोड़ा सा थिक लगाऊंगी। इसके बाद NYBAE की ले रही हूँ शेड नंबर 10, और इसे अपनी लिप्स पे अप्लाई करूँगी। और शेड कोई भी आप चूज़ कर सकते हैं, इट्स कम्प्लीटली आपके ऊपर है। उसके बाद मैंने थोड़ा सा शेड नंबर 3 भी मिक्स किया है, और ये है मेरा फाइनल लुक। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करिएगा, जो बिगनर है उनके साथ ज़रूर शेयर करिएगा, उन्हें बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल हो जाएगा। प्रोडक्ट की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी, और मैं आपसे मिलूंगी मेरे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय गाइस।